सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था। ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में भोलेनाथ शंकरा, मोतियां हो जिस तरह हे शिवाय शंकरा, मेरे मन में शंकरा बसा है उस तरह। कुमार अरुण कुमार बड़े भाई दीपक रावत जी एवं हमारे ब्लॉक के मुखिया डॉक्टर हरीश बिस्की एवं उनके साथ आए हुए सभी भक्तजन का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कोई कुछ आप भी पढ़ो लिखो, आईएएस बनो, फिर यूट्यूब चैनल खोलना, हमारी तरह पहले मत खोल लेना। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप ठीक ही होंगे। तो फिलहाल हम लोग आज जा रहे थे छोटा कैलाश और अभी हम पहुंच चुके हैं उसके गेट पर नीचे, और काफ़ी जाम हो रहा था नीचे, आप देख सकते हैं पूरा जाम लगा हुआ है, और हम भी काफ़ी मुसीबतों का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और फाइनली अब ऊपर को जाते हैं मेन रास्ते की तरफ, लाइन पर हम लोग लगे थे, अभी थोड़ा सा नीचे आए हैं, यहाँ पर खाना वगैरह भी मिल रहा है। और तब तक के लिए आपको दिखाते थोड़ा रास्ता कितना ख़तरनाक हो रहा था, जाम ही जाम और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा था रास्ते में। और उस साइड को भीमताल दिख रहा है, और नीचे से हम लोग अभी आए हैं, थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं, इनकी तो हालत डाउन हो चुकी है पीछे बैठ के। तो तब तक के लिए आपको थोड़ा रास्ता दिखाते हैं, फिर आपको मिलते हैं यहीं पर, तब तक के लिए सी यू। तो हल्द्वानी से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, और हल्द्वानी में ही हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक फेस करने को मिला, और यहीं पर आप ब्रिज पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था। 10-15 मिनट के बाद यहाँ पर ट्रैफिक क्लियर हुआ, और काफ़ी लोग पैदल भी जा रहे थे और काफ़ी लोग अपने व्हीकल से जा रहे थे, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा था। और मौसम काफ़ी अच्छा है आज का। फ़िलहाल अभी हम लोग HMT पे पहुंच चुके हैं, और थोड़ा सा आगे पर जहाँ पर से छोटा कैलाश के लिए रास्ता कटता है वो आने ही वाला है, और उसके बाद हम लोग चले जाएँगे अपने रास्ते की तरफ। तो बस हम लोग अब पहुंच ही गए हैं छोटा कैलाश की तरफ को, और आगे हमारे छोटा कैलाश का गेट है, और उसके बाद अब सीधे हमें यहाँ से राइट मुड़ना है, और ये रास्ता सीधे जाएगा छोटा कैलाश पे। और पता नहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैफिक स्टार्ट हो चुका है फिर से, और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लोग वापस आ रहे हैं, ये शायद सुबह सुबह चले गए होंगे। हम भी मॉर्निंग पे गए थे लगभग 8-9 बजे, और आप देख सकते हैं 8-9 बजे भी कितना ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पर हो रहा है। तो सुबह के 8:30 हो रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग पैदल भी जा रहे हैं और काफ़ी लोग अपने बाइक वगैरह से जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा था रास्ते में। मैं तो सोच रहा हूँ ये रात को वापस कैसे आएंगे। और फिलहाल हम लोग अभी आधा रास्ता हमने कवर कर लिया है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जाम लग चुका था, हमें 10 मिनट वेट करना पड़ा, उसके बाद ये ट्रैफिक क्लियर हुआ यहाँ पर। और थोड़ा सा आगे पर हमें यहाँ पर खाने का प्रोवाइड किया जा रहा था, जो नॉर्मली ब्रेकफास्ट करके नहीं आए हैं उन लोगों के लिए, और प्रसाद वगैरह आप कह सकते हो उसको। तो सुबह सुबह के टाइम पे अगर आप भूखे आते हैं घर से तो आपको यहाँ पर खाने की सुविधा भी दी जाती है। तो हम लोग भी नाश्ता करके नहीं आए थे, तो हमने भी यहाँ पर नाश्ता किया थोड़ी देर, और यहाँ पर खाने में अचार, कद्दू की सब्ज़ी, पूरी और आलू और मटर की सब्ज़ी भी थी, जो कि काफ़ी टेस्टी हो रही थी। बट मेरी किस्मत में थोड़ा सा दोबारा आना दिखा था, क्योंकि क्या बताऊँ मैं, खुद ही देख लीजिए आप। मैंने सोचा बाइक पे बैठ के थोड़ा सा आराम से खाऊंगा, लेकिन मुझे क्या पता था मेरे साथ ये होने वाला है। अबे वो ले गया सुंदर, मैं कह रहा हूँ तू आया पीछे से। और फिलहाल बंदर से खाना छीनने के बाद अब हम लोग अपने रास्ते की तरफ चल चुके हैं, और फिलहाल अभी हमें 2 घंटे हो चुके हैं यहाँ पर ट्रैवल करते हुए, और ट्रैफिक हमें रास्ते में मिल रहा है, और कभी तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और गवर्नमेंट ने जो था मेन रूट बंद कर दिया था, इस वजह से एक ही रूट बचा जो लॉन्ग वाला था, तो इस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। और यहाँ पर व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है, और देख सकते हैं आप नीचे की तरफ, और अभी हमें बहुत ऊपर जाना है, नीचे वो गांव देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा है, हरा भरा,
और वो रोड जो आप दिख रही है आपको ऊपर तक, ऐसे ही गोल घूमते घूमते हमने ऊपर तक जाना है। उसके बाद हमारा पैदल यात्रा स्टार्ट होगी, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से आधे रास्ते तक ही जाना पड़ रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है और यहाँ पर हमें अपनी बाइक कहीं लगानी पड़ेगी। उसके बाद आते टाइम के बाद ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा तो फिर हम इसी रास्ते से वापस भी जाएंगे। तो फिलहाल अपनी बाइक यहाँ पर लगाते हैं और यहाँ से पैदल यात्रा स्टार्ट करते हैं। ये बंदा फिर से खाना खाने लग गया। ये देखिए, दर्शन करने आया हूँ, दर्शन करूँ बस, ये खाया जा रहा है जब से यहाँ आया है। नीचे रास्ते पे भी खा ही रहा था, काफ़ी स्वादिष्ट हो रहा है। आप भी आइए जरूर अगले साल। वो देखिए भाई साहब, भीड़, लोग पैदल पैदल चलते, ये भाई लोग जाम में फंसे हुए हैं, बस जाम। इन्हें ये नहीं पता आगे भी अभी काफ़ी जाम है, ये सोच रहे हैं इससे निकल जाए बच जाएंगे। तो बस अभी हम पैदल रास्ते में ही हैं और लगभग 5-10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे मेन रास्ते पे, मतलब मेन रास्ता भी आया नहीं है। और देख सकते हैं अभी यात्रियाँ सारे हमारे भगवान शिव के दर्शन के लिए सब के सब सुबह जल्दी आए थे, बट टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया सुबह से और जाम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिलहाल थके हारे सभी यात्री दर्शन के लिए जा रहे हैं, उनमें से एक यात्री ये भी है। यहाँ पर भी खाना मिल रहा है तो मैं सोच रहा हूँ दोबारा से ले ही लूँ। चलो फिर मैं खाना लेके आता हूँ, तब तक वो पहाड़ है जहाँ हमें जाने दिख रहे हैं वहाँ पे, वहाँ जाना है हमें, वहाँ है मंदिर और ये रास्ता है। तू कह रहा था, तू कह रहा वो है देख मंदिर, वो पहाड़ दिख रहा सामने। तो वो सामने जो पहाड़ दिख रहा है टॉप पे वही है छोटा कैलाश, और अभी हमें रोड बाय रोड जाना है। उन लोगों ने नीचे वाला रूट बंद कर दिया जिसकी वजह से थोड़ा सा लॉन्ग रूट से हम लोग आ रहे हैं, और हमारी बाइक भी उधर बहुत साइड उधर ही बहुत ही उधर रुकी हुई है, तो आते टाइम भी हमें काफ़ी लंबा पड़ेगा। तो क्या करें आप, यही सही, भगवान जी के दर्शन के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं आज तो। बस आज ही करेगा, और दिन नहीं करेगा, और दिनों भी करते हैं, और दिन नहीं करते, भगवान सब जगह है ना, इतनी दूर जाने की जरूरत है वैसे। चढ़ाई स्टार्ट होने वाली है, अभी तक तो हम प्रैंक कर रहे थे। और यहाँ भी खाना मिल रहा, मैं फिर से खाऊंगा, भूख लग गई। मेन रास्ता हमारा स्टार्ट हो चुका है और 12 बज चुके हैं, धूप काफ़ी तेज़ हो रही है, गर्म बहुत होने लग गया है। बड़े मुश्किल से एक स्प्राइट मिली, 60 रुपए की बोल रहे थे, बड़े मुश्किल से बार्गेनिंग करके 50 में लेके आया हूँ। देख सकते हैं स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा है हमारा। पहाड़ वो अभी भी टॉप पे ही दिख रहा है, वहीं है वो, तब से हम भी नहीं हिले अपनी जगह से, वो भी नहीं हिला। काफ़ी दूर जाना है अभी, और थक चुके हम, कब से बोल रहा है वो आने वाला है, आ ही नहीं रहा, आ जाएगा, सब आ रहे हैं लेकिन हाँ वो नहीं आ रहा, सब आ रहे हैं लेकिन मंदिर नहीं आ रहा, आ जाएगा, सब्र का फल मीठा होता है। तो
तो फाइनली हम लोग छोटा कैलाश के मेन गेट पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से मेन गेट स्टार्ट होता है छोटा कैलाश का, और अब यहाँ से असली चढ़ाई स्टार्ट होने वाली है। कितनी चढ़ाई स्टार्ट होगी अब? थक गए हम चढ़ाई बताते बताते और चलते चलते। अब मेन है, शायद नहीं मतलब है ही, कन्फर्म है मेन है। ये रहा यहाँ का गेट, और अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपना ट्रैक। तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, छोटी सी मार्केट भी लगी है, सारा सामान यहाँ पर मिल रहा है। हमारे पास पैसे नहीं है, ख़त्म हो गए, वरना हम ले लेते। तो ऊपर टॉप पे छोटा कैलाश मेन मंदिर, और हमें भी नीचे। तो अभी ये रास्ता सीधे सीधे ऊपर ऊपर लाइन लगी है पूरा रास्ते में, तो अभी हमें और टाइम लगने वाला है, बट फिर भी हम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे। तब तक हम बैठ के थोड़ा रेस्ट करते हैं और कुछ खाने को मिलेगा तो मज़ा आ जाएगा। और लिखा हुआ है कि शक्ति स्थल है, आगे को स्टार्ट है मतलब यहाँ से। अभी ड्रोन शॉट में भी ऊपर दिख रहा होगा आपको, पूरा भीड़ लग चुकी है, चलने की जगह नहीं हो रही है। एंड नाउ हमारी बारी है ऊपर चढ़ने की। जो ऊपर से आ रहे हैं उनको देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि ऊपर से आ गए, और हमें भी चढ़ना है। देख सकते हैं आप चढ़ाई कितनी ज़्यादा है, और सारे लोग एक साथ जा रहे हैं लाइन से, क्योंकि शॉर्टकट लेने का भी रास्ता है नहीं, लाइन से ही जाना पड़ेगा सबको। जाके हम लाइन पे घुस गए अंदर बड़ी मुश्किल से, इसे हमारे बड़ा गंदा था। चलो चलो चलो, ओके ब्रो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। बोल हम भी ना, हमें भी दिखाई दे। अरे लो तुम क्यों उठे हो, तुम भी आओ। फिर से नीचे से हम आए थे और यहाँ पहुँच चुके हैं। तो फाइनली हम लाइन से बाहर ही हो गए। तो फाइनली हम टॉप पे पहुंच गए, मतलब हम नहीं, मेरा दोस्त खो गया है। अभी क्या पता मिल जाएगा थोड़ी देर में। बस सामने है मंदिर, सामने मंदिर का मेन गेट। अभी जूते खोल लेंगे यहीं पर। प्रसाद लेने हैं, प्रसाद लेने आप लोग गलत आ रहे हैं, मुख्य द्वार वहाँ है, आप लोग गलत प्रवेश कर रहे हैं मंदिर में। मुख्य द्वार से प्रवेश करिए, हमने स्वास्थ्य व्यवस्था यही बनाई थी, और आप लोग अभी गलत रास्ते। हेलो, क्या यहाँ का मुख्य द्वार आपसे हाथ जोड़ने मिलती है? दो लोगों से रास्ता खराब हो जाएगी, दो लोगों से हमारी रास्ता खराब हो जाएगी। यदि आप
मैडम इसको भी अकेले खाऊंगा, अकेले नहीं मंदिर का सबको दूंगा। कृपया करूँगा, झूठ बोल रहा है। चलो पता हमारी बहन हेलो कह दो, आप अपने सर के साथ। हेलो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा? आप कहाँ से आए हो? नैनीताल से हो आप भी? हम भी नैनीताल से। चलो फिर मिलेंगे कभी, बाय बाय, बाय कर दो। तो दीपक सर भी यहाँ आए, निकलते रहेंगे वाले साइड से आते हैं, इस तरफ से नीचे आते रहो भैया, जाने वाले को जाने नहीं देंगे। सॉरी सॉरी क्या कर रहे हैं? पानी की बोतल है क्या? पानी की बोतल पंडित जी के पास थी। पानी आ रहा सर, हाथ धो देंगे ना। चलिए फिर रास्ते में हम जरा रास्ता छोड़िएगा, जहाँ तो वैसे हाथ धुलवा दो। हमारे कुमार एवं हमारे ब्लॉक के मुखिया डॉक्टर हरीश बिस्की एवं उनके साथ आए हुए सभी मुख्यजन का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए। क्या नाम है आपका? सौम्या, सो नाइस परफेक्ट। सर के साथ कोलैबोरेशन तो यहाँ पर एक पानी का थोड़ा सा कुछ है हाथ पांव धोने के लिए, तो अभी सबने धो दिए तो गंदा हो गया, पहले साफ था। और आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं हम लोग, और अब हमको देर हो रही है घर को जाने के लिए, मौसम भी ख़राब हो रहा है, तो फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने घर की तरफ। तो अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, और दीपक सर के साथ भी हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह की है, वो आपको इंस्टा पे मिल जाएगी, तो इंस्टा पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और इसका चैनल बोल ले आगे, हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक कमेंट शेयर कर लीजिए, भाई का भी है, भाई का भी कर लेना, इसकी अलग वीडियोज़ आएंगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सी यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।